हेलो दोस्तों, हाँ कैसे हैं? आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप एक टीचर हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, अच्छा सा कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, या फिर एक स्टूडेंट हैं और कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज मैं कुछ और एक आइडिया बताऊंगा। मैंने पिछले दो वीडियो में बता चुका पहले से, एक में बताया था कि हैंड राइटिंग इफेक्ट जैसे कैसे लाएं, फिर मैंने बताया कि कोई बुक है, पीडीएफ है, उससे बनाना चाहिए तो कितने अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप देखे नहीं तो एक बार देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कोई पीपीटी बनाना चाहते हैं तो, या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो, आज मैं एक और छोटा सा ट्रेनिंग बताऊँगा, बहुत अच्छा सा ट्रिक है। अगर आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन और कुछ लिखना है, मिटाना है, तो बहुत कुछ टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो बहुत छोटा सा ट्रिक है, एक बार देख ली अंत तक, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कुछ बोलना है और आपको बच्चे को इंगेज करना है तो एक एक लाइन के बाद आना चाहिए। ये जस्ट पिछले में किया था। इलास्टिसिटीज एबिलिटी ऑफ मेटल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर टेम्परेचर डिफॉर्मेशन अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स, टेम्पररी लाइक दैट। प्लास्टिसिटीज एबिलिटी ऑफ रिटेन टू लाइक, ये कुछ इस तरह से लिखाएगा। अगर आपको इससे बीच में कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ गया, जैसे कि यहाँ पे मेरे को लिखने की ज़रूरत पड़ गया, मैं कुछ यहाँ पे लिखूँगा कि ये प्लास्टिसिटी है, ये कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कुछ ऐसे बोलना है, कुछ ऐसे बोलना है तो बोल सकते हैं। पर जैसे कि मैं लिख लिया यहाँ पे, और बहुत कुछ लिखना है, जैसे कि हाइलाइट करना है, कुछ करना है, तो लिख तो लोगे। फिर मिटाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं, फिर यहाँ से इरेजर लेते हैं, फिर इरेज करते हैं, कुछ ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बहुत शॉर्टकट सा की है, कंट्रोल, यहाँ पे लिखता मैं कंट्रोल, जो कीबोर्ड में आप करता है CTRL, कंट्रोल प्लस पी, इससे क्या आएगा, पेन आ जाएगा, जो लिखने के अभी मैं लिख रहा हूँ। अगर आप इसको कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो इरेजर आ जाएगा। तो देखिए, मैं कंट्रोल ई किया तो मेरे पास इरेजर आ गया। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये तो मिट गया। अब मेरे को इसको पूरे को एक साथ मिटाना है, तो कैसे मिटाऊँगा, डायरेक्ट आप ई को प्रेस कर दीजिए, सब कुछ मिट जाएगा एक ही बार में। आपको नीचे जाके इरेजर सब कुछ लेना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको हाइलाइटर चाहिए, अभी तो मैं देख रहे हैं आप मेरा पेन, अभी क्या है, इरेजर है हमारे पास, तो कंट्रोल पी किया, पेन आ गया। अगर हाइलाइटर चाहिए आपको तो कुछ करना नहीं है, कंट्रोल प्लस आई करोगे तो हाइलाइटर आ गया। देखिए, इस पोर्शन को मेरे को हाइलाइट करना था, इतने पोर्शन को बच्चों को बताते, मेरे को जैसे कि इनको बोलना चाहता हूँ कि ये पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, या फिर ड्यूरिंग इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन ऐसे कुछ हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं। और ई प्रेस करेंगे तो सब मिट जाएगा। अब क्या करना है, हमको एक लेजर चाहिए, यूज करना चाहते हैं हम, लेजर मतलब अच्छे से दिखे, तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एल, यहाँ पे लेजर आ गया। आप लेजर पॉइंटर से दिखा सकते हो, आपको यहाँ नीचे जा कर के कंट्रोल, ये कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ टाइम लेता है। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कलर में लिखना है तो डिफरेंट कलर ले लो, जो भी करना है आपको, है ना। कंट्रोल पी, ये अब लिख लीजिए आप कौन कौन सा शॉर्टकट किया है, कंट्रोल प्लस पी, इससे क्या आएगा, हमारे पास पेन आएगा, कंट्रोल प्लस ई, इससे क्या आएगा, इरेजर आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस एल, इससे क्या होगा, लेजर आ जाएगा, कंट्रोल प्लस आई, इससे क्या आएगा, हाइलाइटर, और ओनली ई में पूरा का पूरा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। यहाँ पे आपको होगा भी, देख लीजिए यहाँ पे ओनली ई जो है ना, उससे इरेज होता है, ये इरेज ऑल लिंक ऑन स्लाइड। तो यहाँ पे मैं क्या आया था, इरेज करना था ना हमको, ई से हो जाएगा इरेजर, पूरा ओवरऑल इरेज होने के लिए है ऑल। तो ये कुछ शॉर्टकट की है, अब इसको नोट कर लीजिए और आराम से यूज कर सकते हैं।
क्विकली क्विकली, जैसे कि यहाँ पे अब मिटाना है, यहाँ पे कुछ तो कंट्रोल ई मिटाओ, जो मिटाना है वो टेंशन नहीं है, आराम से मिटाओ, जल्दी जल्दी मिटा लो, ई कर दो, सब मिट गया। अच्छा है ना ट्रिक। अगर लाइक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं नेक्स्ट इसका एक और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें और आप नया नया टेक्निक सीखेंगे कि कैसे पावर पॉइंट को इफेक्टिव बनाया जाए। बहुत इफेक्टिव होगा और शॉर्टकट टाइम होगा, कुछ शॉर्टकट और बताने वाला हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार।